हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी में न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 13.4 से। ठीक है, अ वेसल कंटेन्स टू नॉन रिएक्टिव गैसेस है, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कोई अनदर गैस नहीं बनाएंगे। नियॉन जो कि मोनोएटॉमिक है एंड ऑक्सीजन डायएटॉमिक। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स इज 3/2। चलो, प्रेशर ऑफ नियॉन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये आपको दिया हुआ है 3/2। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इन द वेसल। एटॉमिक मास ऑफ नियॉन एंड ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन। ओके, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में देखो, प्रेशर नियॉन डिवाइड बाय प्रेशर ऑक्सीजन इक्वल टू, यहाँ पे हम पढ़ते थे याद है, पी वी इक्वल टू एन के बी टी। ओके, आपको एक कंटेनर फिक्स दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ पी वी इक्वल टू एन के बी टी से। तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन इंटू के बी इंटू टी, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू के बी इंटू टी। वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, के बी वैसे भी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ नियॉन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको मिल गया 3/2। चलो, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अभी जो सेकेंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रेशर ऑफ नियॉन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर का फॉर्मूला है रो आर टी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहाँ पे आएगा नियॉन, यहाँ पे रो आर टी डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डेंसिटी आएगी नियॉन की, यहाँ पे डेंसिटी आएगी ऑक्सीजन की। चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 3/2, ये कैंसल आउट, डेंसिटी ऑफ नियॉन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और वो कितना है 32, तो यहाँ पे 32 आएगा और डिवाइड बाय आएगा 20.2 जो कि नियॉन का मास है। तो डेंसिटी ऑफ नियॉन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा 3/2 इंटू 20.2 डिवाइड बाई 32। ये कैलकुलेशन कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 13.5। क्वेश्चन है, अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2/1 बाय मास। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैसेस। एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है दोनों का, ठीक है ना, और आपको आर्गन एंड क्लोरीन का मास का रेशियो भी दिया हुआ है। तो मास ऑफ आर्गन डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन इज गिवन और वो कितना है 2/1। ठीक है, एकदम इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन डिवाइड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोरीन। बट देखो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज है तो फिर एक ही फॉर्मूला है 3/2 के बी टी, याद रखना। यहाँ पे
एफ इंटू वन बाई टू के बी टी नहीं आएगा। अदरवाइज देखो आप सोचोगे कि आर्गन के लिए एफ की वैल्यू 3 तो ऊपर आएगा 3 बाई टू के बी टी, क्लोरीन के लिए एफ की वैल्यू 5 तो नीचे आएगा 5 बाई टू के बी टी, बट ऐसा नहीं है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है 3 बाई टू के बी टी, ये पूरा ही कैंसिल हो गया ना, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिला 1/1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो वी आर एम एस निकालना है, तो वी आर एम एस ऑफ आर्गन डिवाइड बाय वी आर एम एस ऑफ क्लोरीन। वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3RT/m0, ठीक है ना। तो ऊपर आएगा अंडर रूट 3RT/M, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन डिवाइड बाय अंडर रूट 3RT/mass ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे चेक करो तो 3RT कैंसल आउट। अब अंडर रूट क्या रहेगा, मास ऑफ क्लोरीन कितना है 70.9 डिवाइड बाय 39.9, ये कैलकुलेशन कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा वो एक बार समझ लो, सिर्फ यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 1.33। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो मास का रेशियो दिया हुआ है उसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो आरएमएस स्पीड है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगी, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला एक ही है, 3/2 kBT। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.8। एकदम इजी क्वेश्चन है, अ सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी 44.8 लीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी कितना रहेगा 22.4। तो ये लीटर में आएगा और गिवन वॉल्यूम भी किस में लेना है हमें, लीटर में। तो ये 44.8 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू 2 मोल। ओके, यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो यहाँ पे फिक्स्ड कैपेसिटी का सिलेंडर है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या आएगा, म्यू सी वी डेल्टा टी। अब म्यू सी वी मतलब क्या रहेगा, एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। म्यू की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एफ, कौन सा गैस है ये, हीलियम गैस, मतलब मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक मतलब एफ इक्वल टू 3 ले लो। आर की वैल्यू भी हमें पता है 8.314, और डेल्टा टी टेम्परेचर कितना हमें रेज करना है, 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे आएगा 15। चलो ये 2 कैंसल आउट, आपको करना क्या है 3 × 8.31 × 15। तो 3 × 8.31 × 15 करोगे आपको आंसर मिलेगा 374 जूल। एकदम इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो अभी आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है वो लेके रखे हैं, 1/1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.1, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एट
STP. Take the diameter of the oxygen molecule to be 3 angstrom. अब देखो ये 13.1 में आपको डायामीटर दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब रेडियस हो गई हाफ 1.5 एंगस्ट्रॉम. ओके, अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और एक दूसरी टर्म है एक्चुअल वॉल्यूम. समझो कोई एक गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मैं भर रहा हूँ, इतना सा बताते हैं. चलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर जो नॉर्मल हम लेते हैं वही प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने ऐसे ही फ्री एक गैस को भर दिया एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है ना. अगर मैंने 1 मोल गैस को भरा हुआ है तो ये मुझे वॉल्यूम जो मिलेगा वो 22.4 लीटर मिलेगा. ये हो गया मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. बट अगर वही गैस को मैं ऐसे यहाँ पे भर दूँ कि उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़ीरो हो जाए, तो वो इतने से छोटे पार्ट में आ जाएंगे. देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, उसके अंदर ये पूरा गैस मैं भर सकता हूँ अगर उनके बीच में जो इंटरमोलेक्युलर स्पेस है उसको ज़ीरो कर दिया जाए, मतलब ये गैस को है पूरी तरह से हम अगर कंप्रेस कर दें, तो ये हो गया उनका एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम विदाउट एनी स्पेसिंग. ओके, अब इन दोनों का हमें रेशियो लेना है. ये हो गया मोलेक्युलर वॉल्यूम और ये हो गया एक्चुअल वॉल्यूम. तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे देखो ऊपर आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, नीचे आप लिखोगे एक्चुअल वॉल्यूम. मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर, और एक्चुअल वॉल्यूम कैसे बनेगा देखो, तो हर एक का खुद का वॉल्यूम है 4/3 πr³, हर एक मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है 4/3 πr³, ठीक है. तो वैसे कितने एक मोल में होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब Na × 4/3 πr³, तो ऊपर जाएगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब में आंसर आएगा, नीचे आपको Na की वैल्यू पता है और 4/3 आपको पता है, आपको पाई पता है और रेडियस की वैल्यू भी पता है, ये सब रख दो आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13.2, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 °C. शो दैट इट इज 22.4 लीटर. तो एकदम सिंपल है, PV इक्वल टू क्या करने वाले हो, म्यू RT. अब P की जगह पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.013 × 10⁵ pascal. वॉल्यूम हमारा क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ मोल 1, ये 8.314, और टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, ठीक है ना. यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा और वो अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, जिसको आप लीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ निकाल दो, तो ये मिल गया आपको 22.4 लीटर. एकदम इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन है, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज एन इनिशियल गेज प्रेशर ऑफ 15 atm एंड टेम्परेचर 27 °C. आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर,
The gauge pressure drops to 11 atm and its temperature drops to 17 degree Celsius. Estimate the mass of oxygen taken out of the cylinder. तो करना क्या है आपको, इनिशियल मास एंड फाइनल मास ही यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो डिटेल लिखते हैं वॉल्यूम. चलो V1 इक्वल टू 30 लीटर. वॉल्यूम V1 इक्वल टू 30 लीटर. प्रेशर P1 इक्वल टू 50. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 नहीं है, यहाँ पे 15 है. और टेम्परेचर T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन. यहाँ पे आप क्या करोगे, 15 इंटू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 ये पास्कल में कन्वर्ट कर दोगे. ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, PV इक्वल टू μRT, PV इक्वल टू m अपॉन m0 इंटू RT, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा PV m0 डिवाइड बाय RT से मास, ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक मास की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इनिशियल मास रहेगा. सेम वे आप सेकंड कंडीशन ले लो. सेकंड कंडीशन क्या है, प्रेशर 2. चलो प्रेशर कितना हो गया, 11 atm. टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ, 17 डिग्री सेल्सियस तक. तो ये हो गया 290 केल्विन. वॉल्यूम, तो कंटेनर फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा क्योंकि ये सिलेंडर है. ओके, तो वॉल्यूम रहेगा V2, वही कौन सा, 30 लीटर वाला. ओके, फिर से आप वही प्रोसेस करो. P2 V2 इक्वल टू यहाँ पे म्यू 2 इंटू आर T2. यहाँ पे कर सकते हो आप μ1 इंटू आर T1. P1 V1 इक्वल टू μ1 आर T1. P1 V1 इक्वल टू m1 आर T1 डिवाइड बाय m0. तो यहाँ पे आपको मास एट केस 1 आपको मिल गया P1 V1 m0 डिवाइड बाय आर T1. सेम वैसे यहाँ पे P2 V2 इक्वल टू मास एट केस 2 m2 और ये आर T2. यहाँ पे आपको मिल गया m2. P2 V2 m0 डिवाइड बाय आर इंटू T2 करना है. चलो दोनों मास मिल गए तो कितना मास बाहर निकला होगा, तो इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा m. याद रखो, प्रेशर है, वॉल्यूम है या टेम्परेचर है, उनकी जो भी वैल्यूज है उनको ऐसा यूनिट सिस्टम में पहले कन्वर्ट करो, उसी के बाद इक्वेशन में रखो. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13.4 का सॉल्यूशन. अभी आगे बढ़ते हैं. इन एयर, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³ राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस विच इज एट अ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस. तो एकदम इजी है. फर्स्ट केस में हम लेते हैं P1 V1 by T1 इक्वल टू, सेकेंड केस में बनेगा P2 V2 by T2. चलो P1, अब प्रेशर कितना है, फर्स्ट केस में देखो वो कहाँ पे है, 40 मीटर डीप है अंदर, मतलब तो ये बनेगा प्रेशर PA प्लस रो जी एच वाला, PA प्लस रो जी एच. तो हम एक काम करते हैं, P1 पहले निकाल लेते हैं. P1 यहाँ पे आप पहले कैलकुलेट कर लोगे. P1 कैसे कैलकुलेट करोगे, PA प्लस रो जी एच. अब इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, हाइट भी, मतलब यहाँ पे डेप्थ दी हुई है, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी हमें पता है. यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपको P1 मिल जाएगा. और P2 के लिए क्या करना है, तो P2 के लिए तो वो सरफेस पे आ गया ना, सरफेस पे आ गया तो सिर्फ PA बचेगा. ठीक है, तो
और पीए की वैल्यू पता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। चलो P1 P2 मिल गया, तो अब तो एकदम इजी हो गया। देखो आपको क्या करना है, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ऊपर लिखना क्या है यहाँ पे, एज पर आइडियल गैस रिलेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन का जो रिलेशन है उसकी हेल्प से आपको V2 मिल जाएगा, P1 V1 T2 डिवाइड बाई P2 T1। P1 P2 आपको पता है, टेम्परेचर, T1 T2 आपको पता है, वॉल्यूम V1 पता है, सभी वैल्यूज आपको पता है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम 2 मतलब वॉल्यूम इन सेकंड केस आपको मिल जाएगा। क्लियर? अभी ये P1 की वैल्यू डाल दो, P2 की वैल्यू डाल दो, V1 T2 T1 सब कुछ है। देखो यहाँ पे V1 है, ये T1 है और ये T2 है, बट हाँ इनको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे वैल्यू रखनी है। और V1 अगर आपने 1 cm³ लिया है तो V2 की वैल्यू आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही मिलेगी। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13.5 का सॉल्यूशन। अभी आगे बढ़ते हैं 13.6, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर कंस्टिट्यूएंट इन अ रूम ऑफ कैपेसिटी दिस 25 m³ एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस एंड प्रेशर। सब कुछ आपको दिया हुआ है, क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, PV इक्वल टू µRT का यूज़ करोगे। यहाँ पे लिखना है आपको एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इक्वल टू म्यू की जगह पे N डिवाइड बाई NA लिख सकते हैं, और R और T। यहाँ पे आपको N की वैल्यू चाहिए, तो PV इंटू NA डिवाइड बाई RT, बस वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो प्रेशर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और टेम्परेचर भी है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है, और R पता है। ठीक है, बस यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर कहीं पे आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक लगे, आंसर नहीं आ रहा है ऐसा लगे, तो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.7। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एट रूम टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर ऑन द सन एट 6000 केल्विन और टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन, द टिपिकल कोर टेम्परेचर इन द केस ऑफ अ स्टार। सभी के लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट केस में क्या करोगे, एक ही फॉर्मूला, थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी ET इक्वल टू 3/2 KBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है। तो सेकंड केस और थर्ड केस में सेम आपको रिपीट करना है, और टेम्परेचर आपको तीनों केस के लिए दिया हुआ है। सबसे इजी क्वेश्चन ये है, तीनों केस का फॉर्मूला एक ही है। और तीन अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.8 में थ्री वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द फर्स्ट वेसल कंटेन नियॉन। फर्स्ट के अंदर क्या है, नियॉन। सेकेंड के अंदर क्लोरीन जो कि डायटोमिक है, और थर्ड के अंदर क्या है, यूरेनियम, जो कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि पोलीएटॉमिक है। डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, वेसल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स है या नहीं। इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन द थ्री केसेस, इफ नॉट इन विच केस VRMS is largest। ओके, तो यहाँ पे देखो सभी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, सभी के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सभी के लिए प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो PV इक्वल टू µRT के हिसाब से सभी के मोल भी कांस्टेंट हुए,
तो अगर म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री सेम है तो एन वन एन टू एन थ्री भी सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट जो आपका आंसर आएगा, डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो यस, जो फर्स्ट आपका आंसर है उसमें यस। ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच केस इज सेम। इज द रूट मीन स्क्वेयर, इज द रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेम इन द थ्री केस, तो सेकेंड में आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट थ्री के बी टी बाई एम नॉट। एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। सिंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, ओके, तो वी आर एम एस भी आपको डिफरेंट मिलेगा। इन विच केस वी आर एम एस इज लार्जेस्ट, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसकी वी आर एम एस कम आएगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास लोएस्ट है उसके लिए वी आर एम एस लार्जेस्ट नंबर आएगा। तो नियोन का मास सबसे कम है, तो आप लिख सकते हो सिंस नियोन हैज़ मिनिमम एटॉमिक मास इट्स आर एम एस वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है उसका आंसर आएगा नियोन। ओके, अभी देखते हैं 13.9। एट वॉट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल्स टू द आर एम एस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। एटॉमिक मास इज गिवन, तो देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू, देखो वी आर एम एस दोनों के लिए सेम होना चाहिए ऐसा कहा ना। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी आर एम एस ऑफ आर्गन इज इक्वल टू वी आर एम एस ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे अंडर रूट में फॉर्मूला आएगा 3R टेम्परेचर ऑफ आर्गन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन इक्वल टू अंडर रूट 3R टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे 3R 3R कैंसिल, दोनों तरफ रूट कैंसिल कर दो, टेम्परेचर ऑफ आर्गन गैस आपको फाइंड करना है और आर्गन का आपको एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 39.9 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस कितना दिया हुआ है माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 253 केल्विन होगा, 273 ऐड कर दो तो 253 केल्विन आएगा, तो यहाँ पे आएगा 253 अपॉन मास ऑफ हीलियम आपको दिया हुआ है 4। तो टेम्परेचर ऑफ आर्गन गैस इक्वल टू 253 डिवाइड बाई 4 इंटू 39.9, तो ये आपको मिल गया 2523.7 केल्विन। ये कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो, तो एक बार अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश हुआ और चैप्टर भी फिनिश हुआ। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एक बार सभी न्यूमेरिकल्स एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना, सभी थियोरीज का रिवीजन कर लेना, और अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे, अगर कोई न्यूमेरिकल में डाउट है तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, या तो कोई थियोरी में डाउट है तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।